यहाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ लो। गौरी अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। गौरी रुको रुको, गौरी मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे जाओ। गौरी कभी रुकती है। तोती तोती, तेरे हरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये लो, मैंने लाल चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं। हरियाली तोती गौरी कवि से चूड़ियों वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और गौरी कवि आगे बढ़ती है। चूड़ियां चूड़ियां रंग बिरंगी चूड़ियां। घर जाकर जब हरियाली तोती डिब्बा खोलती है तो सारी ही चूड़ियां टूटी हुई थीं। उस काली कवि ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी ही टूटी हुई चूड़ियां है। हरियाली, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हें चूड़ियां देख कर लेनी चाहिए थी। मैंने उस काली कॉफी का भरोसा किया, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताती हूँ मिठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कॉफी से चूड़ियां ली, मगर वो मुझे सारी ही टूटी हुई चूड़ियां दे गई है। कवि अब मानेगी तो नहीं, मगर फिर भी बात करके देखते हैं। गौरी कहाँ है? वो टूटी हुई चूड़ियां कहाँ है? गौरी कभी घाटे का काम नहीं करती, वो टूटी हुई चूड़ियां डिब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी। अब वो हरियाली तोती रोती हुई आएगी। मेरी चूड़ियां, हरियाली तोती भी चिड़िया को साथ लेकर पहुंच जाती है। अब बताओ बताओ हरियाली गौरी को। तुम बताओ चिड़िया। चिड़िया और तोती, अब ये ना कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियां दे दी हैं। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो चूड़ियां टूटी हुई थी। गौरी हरियाली सच बोल रही है। चुप कर जा तू चिड़िया, ज्यादा माना बन तोती की। डिब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिरा कर चूड़ियां तोड़कर अब आ गई हो यहाँ मेरे पास। चल चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कवि, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोते, चिड़िया रोको रोको इसे। अगर इसने दोबारा मेरी गौरी पत्नी जी को काली कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कवि भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो बताने आए हैं गौरी कवि बहन को। चिड़िया और तोती चली जाती हैं। आई बड़ी, अगर वो चिड़िया दोबारा चूचू करती तो मैंने एक लगानी थी उसके। गौरी फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, कुछ और टूटी हुई चूड़ियां हैं तो मुझे दे दो। गौरी, तुम ये टूटी हुई चूड़ियां क्या करती हो? मेरी बेटी खेलती है चाचा जी इन टूटी हुई चूड़ियों से। देहान से कहीं चोट ना लग जाए तुम्हारी बेटी के, ये कांच घायल भी कर सकता है। गौरी टूटी हुई चूड़ियां लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ियां बेचने लगती है। चूड़ियां चूड़ियां रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियां, सुहागन वाली चूड़ियां लो चूड़ियां। कावी कावी सुनो कावी। माही चील गौरी कवि को आवाज देती है, मगर गौरी को सुनाई नहीं देती, वो आगे गुजर जाती है। चील पास बैठी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी ये लो पैसे और मुझे उस कवि से हरे रंग की चूड़ियां तो ला दो। चील दी, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। लूसी कबूतरी अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर गौरी के पीछे जाती है। गौरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कवि ये लो पैसे और अच्छी अच्छी लाल और हरी चूड़ियां दे दो। गौरी कवि वो पैसे लेती है और वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा लूसी कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी, मैंने चूड़ियां इस डिब्बे में डाल दी हैं। ध्यान से ले जाना, अब रास्ते में तोड़ ना देना। लूसी वो टूटी हुई चूड़ियों वाला डिब्बा ले जाती है। जब माही चील वो डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, लूसी लूसी कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियां टूटी हुई हैं। धोखा, उस काली कवि ने धोखा दिया है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी जाती है। गौरी गौरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियां दी हैं, मेरे पैसे मुझे वापस दो। एक थप्पड़ मार कर तेरी चोंच तोड़ दूंगी, चल चल भाग यहाँ से। गौरी कहते हैं मुझे, मैं सामान वापस नहीं करती। पीछे से माही चील भी आ जाती है। काली कवि, वो चूड़ियां मैंने मंगवाई थी लूसी से और तू मुझे धोखा देती है। चील जी, सॉरी सॉरी, मैं समझी वह चूड़ियां इस कबूतरी की हैं। बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने मुझे। मगर चील गुस्से में आ जाती है और गौरी कवि को मारने लगती है। सॉरी सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो मारो इसे और मारो चील जी, इस काली ने कल मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। फिर
फिर चील गोरी कव्वी की चूड़ियों वाली टोकरी उठाकर नदी में फेंक देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।